All right, what's going on, my lovely and dear people out there? Welcome to Padle 10th teaser. आज फिर से सोशल का अगला वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हमारे इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है. बहुत ही क्यूट, बहुत ही सिंपल चैप्टर और मैं तुमको हर चैप्टर मस्ती मजाक के फॉर्म में बताता हूँ. और अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार, तो अगर तुम लोग नए हो तो तुमको पता नहीं होगा कि चैनल के ऊपर वीडियोस कैसे आते हैं. बहुत ही मस्ती मजाक में और बहुत ही ऐसे बातों बातों में हम पूरा चैप्टर कर देते हैं. तो इस वीडियो के अंदर भी सेम वही चीज होने वाली, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऐसे बिल्कुल चुटकी में कर लेंगे हम. और अगर तुम लोगों ने अभी तक पढ़ ले कि ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो मेक श्योर उसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए एमसीक्यूज सारे के सारे रेडी हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल है. और अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई 1,00,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं एक इंडिविजुअल क्लास 10 चैनल के ऊपर, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना. मेरा नाम है प्रणय, को-फाउंडर एट पढ़ले, और आज हम करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिना बकवास के. और जल्दी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, क्लास 10 टर्म 1 क्रैश कोर्स. एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कर लेना. इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया पढ़ले.in को तो फटाफट फॉलो कर लो, 15,000 फॉलोअर्स जल्दी हिट करना. और मुझे अगर फॉलो नहीं किया तो मुझे भी कर लो, 10,000 फॉलोअर्स हम हिट करने के बाद में कुछ सरप्राइज में प्लान कर रहा हूं. और ये मटेरियल तुम डाउनलोड कर सकते हो www.padle.in से. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर डायरेक्टली. क्रैश कोर्स जैसा वीडियो होगा, जितना जरूरी उतना मैं तुम लोगों को बताऊंगा. एग्जाम से एक दिन पहले, दो दिन पहले बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग होंगे जो देख रहे होंगे. और पहले तुमको दोस्त सर जैसे ट्रीट मत करना, भाई जैसे भैया जैसे ट्रीट कर लेना, ठीक है, थोड़ी ज्यादा अच्छी फील आएगी. या फिर दोस्त जैसे ट्रीट कर लेना. तो देखने वाले हम चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सेक्टर क्या होता है भाई, हमने देखा था कि पिज्जा होता है, पिज्जा के ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे चार पार्ट्स, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, है ना. तो सेक्टर का मतलब पार्ट्स या फिर टाइप्स, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स देख रहे हैं. तो जो इंडिया की इकोनॉमी है कि भाई जो पैसा बन रहा है इंडिया के अंदर या फिर जो पूरी इनकम हो रही है वो किन किन सेक्टर्स से कितनी कितनी हो रही है वो हमको देखना है. बहुत सिंपल है, बहुत ही बढ़िया. अभी हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या क्या है. बेसिकली हमने आज तक जीवन में क्या किया, हमने आज तक जीवन में हर चीज में जो भी हमने पढ़ा है आज तक जीवन में उसमें हमने हर चीज को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया. जैसे कि मैं प्रणय, ठीक है, तो मैंने अपने आपके क्राइटेरिया बना लिया कि भाई प्रणय इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, तो मैं एकेडमिक में कैसा हूं, ए प्लस, बी, बी सी डी ई, मतलब मुझे कितने नंबर आते हैं. मतलब मैं एक इंसान तो मैं अकेला हूं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो एक अकेली है, पर हमने उसको अलग अलग क्राइटेरियाज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक, तो ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रणय कैसा है, भाई प्रणय पढ़ने में बहुत अच्छा है. ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कैसा है, भाई प्रणय स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कैसा है, तो भाई प्रणय मस्ती खो रहा है या फिर अच्छा बच्चा है, मस्ती खो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली दिखता ही है. तो कुल मिला के हम अलग अलग चीज को क्राइटेरिया में डिवाइड कर रहे हैं और यहां पर भी हम वही करेंगे. तो हमने कौन कौन से क्राइटेरिया उठाए, हमने 3-4 क्राइटेरिया उठाए मेनली. पहला क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हमने पहला निकाला नेचर, ठीक है, नेचर कैसा है, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका नेचर कैसा है, ठीक है. दूसरा हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसी है. तीसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. तो मेनली हमारे पास में 3 सेक्टर्स हैं जिसमें हमको देखना है और बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से करेंगे. जहां ज्यादा दिमाग लगाना होगा सिर्फ वहीं दिमाग लगाएंगे, बाकी मैं तुम लोगों को एक बिस्कुट के एग्जांपल से पूरा चैप्टर समझाऊंगा. क्योंकि मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया था जो कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव था, नॉट वेरी डिस्क्रिप्टिव, ऑलमोस्ट इतना ही था, उसमें मैंने एक बिस्कुट का एग्जांपल लिया था जो कि बहुत लोगों को पसंद आया. तो जब सब लोगों को चीजें पसंद आई है तो फिर से करने में क्या दिक्कत है, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, अब मैं पहले तुम लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर जो यहां पर दिख रहा है, ये पूरा चैप्टर है जो दिख रहा है एक स्लाइड में, पूरा चैप्टर है. तो अभी तुम लोगों को इसका पूरा सार समझा देता हूं. ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी कि भाई एक्टिविटी कैसी है, नेचर ऑफ इकोनॉमी मतलब वो नेचर कैसा है उस एक्टिविटी का. तो 3 क्राइटेरिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी का मतलब वो होता है कि ऐसे बिजनेसेस या ऐसे काम जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि फिशिंग. तो भाई फिशिंग में तुमको डायरेक्टली नेचर से मिल रही ना वो चीज, तो जो तुमको जो चीज है अगर वो, मैं बहुत एग्जांपल, बहुत एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं कि जैसे फिशिंग है तो हमको मछली डायरेक्टली वहां से मिल रही है. अब जैसे माइनिंग है तो जैसे जो हम कोल निकालते हैं तो कोल हमने बनाया नहीं ना, कोल हमको डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है. तो जहां हम वो काम करते हैं जिसमें हमको कोई चीज डायरेक्टली नेचर से मिल रही होती है उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. जैसे कि हमने खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी क्या है भाई, पेड़ है, जैसे तो एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल डायरेक्टली नेचर से मिल गया हमको, अब हमने एप्पल निकाल लिया तो क्या होगा, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ठीक है. तो ये चीज समझ गए, जो डायरेक्टली नेचर से मिलता है. प्राइमरी मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहला, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहला, सबसे बेसिक चीज है. तो सबसे बेसिक चीज क्या है, नेचर, प्रकृति. तो जो हमको प्रकृति से डायरेक्टली चीजें मिल रही होती हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी मतलब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. सेकेंडरी का मतलब ये है कि जो हमको प्राइमरी सेक्टर से चीजें मिली हैं हमने उसको कुछ मैन्युफैक्चर करके बना दिया. जैसे कि कॉटन, तो कॉटन एक पौधा होता है, कॉटन मुझे पौधा जो है वो पौधा उगाना कायम है प्राइमरी सेक्टर में, पर क्या मैं उस पौधे से डायरेक्ट टी शर्ट बना सकता हूं, नहीं. तो मैन्युफैक्चर मुझे टी शर्ट को क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, मुझे उस रॉ कॉटन को प्रोसेस करना पड़ेगा, फैक्ट्री में देना पड़ेगा. तो ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाले काम होते हैं ये सब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में. टर्शियरी सेक्टर में आती है सारी सर्विसेज, जैसे कि कॉल, बैंकिंग,
मार्केटिंग, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं आती, सर्विसेज जैसी चीजें होती है वो टर्शियरी में आते हैं। अभी आगे और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई ऑर्गेनाइज्ड है मतलब कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड है मतलब कि वहां पर लोग जाते होंगे और उनके पास में कोई गारंटी नहीं कि कब तक काम है, क्या है क्या नहीं है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड में आ गया। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप मतलब कि मालिक कौन है, जो भी कोई बिजनेस चल रहा है, जो भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका मालिक कौन है, तो पब्लिक सेक्टर मतलब कि लोग ही मालिक है, मतलब लोग यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, बात तो एक ही हो गई। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मतलब जैसे कि रिलायंस हो गई या जैसे कि पढ़ले भी हो गई, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है। तीसरा क्या है, ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मेल मिलाप होता है, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, मेनली हम इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें प्राइमरी सेक्टर में आती है। जैसे कि और दूसरी चीज, इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि आज मैं घर में बैठ के बिस्कुट खा पा रहा हूं या फिर मान लो मैं कोई बॉडी लोशन लगा पा रहा हूं बॉडी के ऊपर, तो वो जितनी भी चीजें वो कहां से आती है, मेनली प्राइमरी सेक्टर से आती है। भाई बिस्कुट में, बिस्किट बेसिकली, मैं बिस्किट को बिस्कुट बोलूंगा तो तुम लोग है ना। हां, एक चीज जो मेरी इंस्टाग्राम पर के ऊपर जो लेटेस्ट पोस्ट, अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर जो लेटेस्ट पोस्ट है कौन प्रणय पे, ठीक है, वो शायद दिवाली वाली होगी, उसके कमेंट्स में तुम स्पैम कर दो बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुट, और साथ में इस वीडियो के कमेंट्स में भी बिस्कुट जो है वो स्पैम हो जाना चाहिए। बिस्कुट मतलब BISKOOT, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो बिस्कुट जो, अगर आज मैं घर पर बैठ के बिस्कुट खा पा रहा हूं तो क्यों खा पा रहा हूं, क्योंकि किसी किसान ने प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो उगाया होगा, ठीक है, पेड़, पौधे से डायरेक्टली बिस्कुट तो मिलता नहीं है, पहले गेहूं उगा होगा, फिर गेहूं कहां गया होगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो वही धीरे धीरे करके हम चीजें देखना ले, तो एक बिस्कुट का एग्जांपल तुमको बताने वाला हूं मैं आगे चल के। इसके क्या क्या एग्जांपल्स है भाई, माइनिंग, जैसे कि कोल, मतलब जो भी चीजें डायरेक्टली नेचर से मिलती है प्राइमरीली, ठीक है, डायरेक्टली नेचर से मिलकर उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। मिनरल एक्सट्रैक्शन, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करना भले ही काम है बट हमको मिलता है एट द एंड नेचर से रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक मतलब वही जो हम क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं ना, हाँ, अरे कैटल, ठीक है, लाइफ स्टॉक मतलब कैटल, जैसे कि भेड़ बकरियां, गाय, ठीक है, वो सब, चलो बहुत बढ़िया। सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बहुत सिंपल चीज है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम यहां पर दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी चीजें बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो जो भी चीजें हमको प्राइमरी सेक्टर से मिलती है हम उनको सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा और प्रोसेस करके अलग चीज बना देते हैं। अब जैसे गेहूं मिला, तो हो सकता है गेहूं किसी को चाहिए होगा तो उसने गेहूं ले लिया होगा, पर हम सेकेंडरी सेक्टर में उस गेहूं को और कई सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम गेहूं को व्हीट फ्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिस्कुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको और भी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, खाने पीने की अच्छी चीजें, जैसे कि मान लो चॉकलेट है, तो चॉकलेट नहीं उगती ना, ऐसा तो नहीं होता कि भाई एक पौधा होगा उसके ऊपर डेयरी मिल्क आ गई तो हमने रैपर फाड़ा और वहीं से खाने लग गए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। चॉकलेट भी उगता है, कॉफी सबसे अच्छा एग्जांपल कॉफी का लेते हैं, तो कॉफी बीन्स उगती है, तो कॉफी बीन्स जो है वो डायरेक्टली तो है नहीं कि हाँ वहीं के वहीं हमने बैठ गए और थोड़ी कॉफी बना ली और वहीं पे कॉफी पी ली, ऐसा तो होगा नहीं। हम वो कॉफी जो है प्रॉपरली जाएगी सेकेंडरी सेक्टर में, वहां पर मैन्युफैक्चर होगी, उसमें चेंजेस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी, कैसे मैन्युफैक्चर होंगे, हम उसको चेंज करेंगे। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज से एक चीज मिली उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने उस कॉफी का जो भी कॉफी बीन्स थी उसको हमने पाउडर में कन्वर्ट किया, अब हमारे यूज के लिए अच्छा हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल फैक्ट्रीज कम अंडर दिस कंडीशन। तीसरा क्या है, टर्शियरी सेक्टर, ये क्या है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर या जो प्राइमरी सेक्टर है उनसे रिलेटेड चीजों को छोड़कर जितनी भी सारी चीजें वो सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब तुम खुद सोचो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब किस, लाखों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है भाई, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, ठीक है, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कोई यूट्यूबर है, ठीक है, कोई ऑनलाइन कंपनी चला रहा है, ठीक है, कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है, ठीक है, कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, कोई फॉरेन में जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो है क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हम इन्हीं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया के अंदर है, तो हमने बेसिकली उनको तीन क्राइटेरिया में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मैं तुमको फिर से एक जिस्ट दे रहा हूं पूरे चैप्टर का, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जॉब्स जो हैं दे कम अंडर दिस सेक्शन, बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बिस्कुट की बात करें, तो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का क्या इसमें योगदान रहा, प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि हमको वहां से आटा मिला, सॉरी आटा नहीं मिला, वहां से हमको गेहूं मिला। अब वो जो गेहूं है वो गया सेकेंडरी सेक्टर के पास में, सेकेंडरी सेक्टर मतलब फैक्ट्रीज के पास में। तो भाई क्या क्या, एक फैक्ट्री के ओनर ने, एक किसान से, तो बेसिकली नाम नहीं है, मतलब कोई ऐसा बोलता नहीं कि हाय मेरा नाम प्राइमरी सेक्टर है, हाय मेरा नाम सेकेंडरी सेक्टर है, हमने तो बस एक क्राइटेरिया डिवाइड कर रखा है कि जितनी भी फैक्ट्रीज है उनको हम सेकेंडरी सेक्टर में गिनते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर में गिनते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि फैक्ट्री वाले ने प्राइमरी सेक्टर वालों को यानी कि किसानों को बोला होगा कि भैया उनको गेहूं दे दो, तो अब गेहूं आए फैक्ट्री के अंदर, अब फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसमें हमने शक्कर डाली, तीन चार चीजें और मिक्स करी और मिक्स करके हमने बना दिया एक बिस्कुट। अब क्या हुआ कि मैंने फैक्ट्री डाली थी, मैंने भाई बहुत सारा गेहूं लेके बिस्कुट तो बना लिया, बहुत सारे मेरे पास में हजारों पैकेट बिस्कुट है, अब मैं उन सबका करूं क्या, मैं
खुद बैठूंगा उनको खाने? नहीं, मुझे उसको बेचना पड़ेगा, है ना। मुझे अगर प्रॉफिट कमाना है, अगर मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी कमानी है, तो मुझे उसको बेचना पड़ेगा। तो मैं कैसे बेच सकता हूं? क्या वहीं के वहीं देखते देखते रहूंगा तो बिक जाएंगे? नहीं, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मुझे मेरे बिस्किट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, टीवी पे ऐड आते रहते दिन भर, तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी तभी मेरा बिस्कुट बिकेगा। मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे गांव के गांव में थोड़ी ना, मेरे गांव में मतलब 50 लोग, तो 50 लोग हजारों बिस्कुट थोड़ी खाएंगे। मुझे इसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे इसके लिए कस्टमर केयर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके मेरा बिस्कुट बिकेगा। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी चीजों को छोड़ के, वो सारी टर्शियरी सेक्टर में आती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हम अब तीन सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। बेसिकली क्या तुम एक किलो वीट को एक पैकेट ऑफ बिस्किट से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, इस बात का कोई सेंस नहीं है, है ना। तो अभी हमको क्या लगता है दूर से कि भाई गेहूं तो बहुत ही अलग चीज है, बिस्कुट तो बहुत ही अलग चीज है, पर अगर तुम फंडामेंटली देखो तो है तो कहीं ना कहीं सेम ही, ठीक है। तो क्या हमें डायरेक्टली से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, आसान है जितना ऐसा दिखता है कि हाँ भाई बिस्कुट अलग है गेहूं अलग है, वैसा एक्जैक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैसे हम तीनों सेक्टर्स को भी ऐसे पर्टिकुलरली कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है। चलो अब एक चीज तुम लोगों को बताता हूं, जीडीपी। जीडीपी अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो जीडीपी बेसिकली होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं ना भाई इंडिया की जीडीपी क्या है या किसी कंट्री की जीडीपी क्या है। तो जीडीपी का मतलब होता है कि उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो बेसिकली होता है कि जितनी भी इनकम है हम उनको ऐड कर देते हैं एक तरीके से, या फिर ऐसा समझो कि एक ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जो फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट बना है वो, ठीक है। तो वैल्यूज रादर देन गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, वैल्यू रादर देन गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा तुमको, वैल्यू इसका मतलब यह है कि वैल्यूज ऑफ ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। तो जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना किसी नेशन का, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू गिनते हैं। अब मैं तुमको समझाता हूं इसका मतलब क्या। देखो तुमने बोला कि भैया अगर हमको मान लो कि एक पर्टिकुलर जगह है, मान लो ये रूम है, अब इस रूम के अंदर मान लो बिस्कुट बन रहा है, ठीक है, या रूम मत समझो एक कंट्री है, कंट्री मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सिर्फ बिस्कुट ही बन रहा है ना। अब हमको जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है बिस्कुट है उसकी हम कॉस्ट ऐड कर देंगे, मतलब जो बिस्कुट की जो कॉस्ट मैं बेच रहा हूं वो कॉस्ट ऐड कर लेंगे। मान लो हजारों बिस्कुट बिक गए तो हजारों बिस्कुट की कॉस्ट ऐड कर लेंगे, मुझे पता चल जाएगा कंट्री का जीडीपी है। ऑब्वियसली भाई किसी भी कंट्री में सिर्फ बिस्कुट तो बिक नहीं रहे होते, पर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, बिस्कुट बिक रहे हैं, ठीक है। अब क्या उस जीडीपी में, जब मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा, जब मैं ऐड अप करूंगा सारी चीजें, तो क्या मैं ये भी गिनूंगा कि गेहूं कितने में बिका, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में कितने रुपए लगे, ट्रांसपोर्टेशन में कितने रुपए लगे, या फिर सिर्फ ये गिनूंगा कि बिस्कुट की जो फाइनल कॉस्ट है वो कितनी है। तो मैं इसमें देखो फिर से समझो मान लो कि मुझे जीडीपी निकालनी है ना, पूरा मतलब मेरे पूरे सबकी जीडीपी निकालनी है। तो मैं जीडीपी निकालते टाइम अभी समझो कि एक देश है जिसके अंदर सिर्फ बिस्कुट ही बिकता है, तो तब मैं अगर मान लो उस देश की जीडीपी निकालनी है तो क्या मैं, अब जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि एक कितनी चीजें बिकी, मतलब एक तरह से बिकी मतलब कि कितनी इनकम हुई या कितना प्रॉफिट नहीं बट कितना टोटल कलेक्शन कितना हो, ऐसा समझो, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या मैं उसमें गेहूं की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ये सब गिनूंगा या फिर सिर्फ बिस्कुट की फाइनल कॉस्ट गिनूंगा? अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अभी आसान हो जाएगा। देखो भाई साहब, ये गेहूं मान लो कि बिस्कुट मान लो मुझे मेरा 50 रुपए का, तो मैं सिर्फ ये 50 रुपए ही गिनूंगा जीडीपी में। मैं गेहूं की कॉस्ट, चक्कर की कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं गिनूंगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस 50 रुपए में इंक्लूडेड है ना। भाई बिस्कुट 50 रुपए का क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस 50 रुपए के बिस्कुट को बनाने में मुझे 20 रुपए का गेहूं लगा होगा, मुझे 10 रुपए की मार्केटिंग लगी होगी, मुझे 5 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा और 15 रुपए मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा, ठीक है। तो 20 रुपए का गेहूं प्लस 10 रुपए का ट्रांसपोर्ट प्लस 5 रुपए की मार्केटिंग प्लस 15 रुपए का प्रॉफिट, तो यह सब मिला के कितना हो गया, यह सब मिला के कितना हो गया, यह सब हो गया 50 रुपए, ठीक है। तो ये जो 50 रुपए में बिक रहा है बिस्कुट, इसमें कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड है, तो हम उसको फिर से गिनने नहीं बैठेंगे। तो अगर तुम जीडीपी में ये भी गिनो, इसका 50 भी गिनो, प्लस फिर से गेहूं का 20 गिनो, प्लस फिर से मार्केटिंग का 10 गिनो, तो वैसा हमको नहीं करना है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, जीडीपी में हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट गिनते हैं, इसलिए उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो, उसका कैलकुलेशन करते हैं इसमें, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी है ऑलरेडी। ये गेहूं की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, ये शक्कर की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। ऐसा तो है ना कि 50 रुपए पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट है और फिर मैं लोगों से वापस से जाऊंगा घर, उनके बोलूंगा कि 50 रुपए और दो क्योंकि मुझे गेहूं वाले का पेमेंट करना है, मुझे शक्कर वाले का पेमेंट करना है, मुझे ट्रक वाले का पेमेंट करना है। ऐसा तो होगा नहीं ना, उस एक प्रोडक्ट में सबकी वैल्यू इंक्लूडेड है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैंने कोशिश किया, ठीक है। अब देखते हैं भाई तीनों सेक्टर्स में हिस्टोरिकल चेंजेस, तो अभी तक समझ आया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर से क्विक ओवरव्यू लेते हैं। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली नेचर से मिलता है, सेकेंडरी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है, जिसमें हमको एक्चुअली चीजों को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जहां पे फैक्ट्रीज हो गई, तो फैक्ट्री सारी सेक्टर के अंदर आ गई, ठीक है। जैसे कि मान लो कि
लोहा है या फिर मान लो कि जैसे अब जैसे पाइप्स बन रहा है तो पाइप्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, ठीक है। अब तीसरी चीज है टर्शरी, अब मान लो उन पाइप्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो सर्विसेज का काम है कि ये चीज कैसे होगी, मेरा बिस्कुट कैसे बिकेगा मार्केटिंग से, तो कैसे का आंसर क्या हो, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग हो गया टर्शरी सेक्टर में। मेरा बिस्कुट वहां तक कैसे, मेरा बिस्कुट यहां से दिल्ली तक कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, तो कैसे का जवाब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचेगा, तो ये अगेन टर्शरी सेक्टर में। तो जो भी हमारे कैसे का जवाब दे रहा होता है या जो भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है वो हमारे लिए टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो अब देखते हैं तीनों सेक्टर्स में क्या-क्या चेंजेस है। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो भाई प्राइमरी सेक्टर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो सदियों से चलता आ रहा है, ये बात तो हमको बहुत क्लियरली पता है। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए सदियों से चलता आ रहा है, इसलिए हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो तो तीनों सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस है हिस्टोरिकली देख रहे हैं हम पिछले मान लो 30 40 50 सालों में। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या बदलाव है। तो भाई प्राइमरी सेक्टर में डेफिनेटली चेंजिंग नेचर ऑफ फार्मिंग, न्यू मशीनरीज आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था भाई, पहले कुछ किसी काम को करने के लिए मान लो 10 दिन लग रहे होते हैं, आज वो काम एक दिन में हो जाता है, क्योंकि पहले लोगों को मैकेनिकली ज्यादा काम करना पड़ता था, अब मशीन्स आ गई है। पहले हमको खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत पड़ती थी, अब हमारे पास में ट्रैक्टर्स हैं उसके लिए। पहले हमको अगर यहां से कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, या ट्रांसपोर्ट तो खैर टर्शियरी सेक्टर में आ गया, पर फिर भी अगर मैं देखूं कि मान लो प्राइमरी सेक्टर में जो जो भी चीजें होती है, जैसे कि मान लो मुझे खेत के इस कोने से लेके उस कोने तक कुछ फसल पहुंचानी है, तो पहले मुझे बैलगाड़ी पे बैठ के करना पड़ता था, तो बहुत देर लगती थी यहां तक पहुंचने में, अब मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा भड़ कर फटाफट पहुंच जाऊंगा, तो ये काम हो गया हमारा। दूसरा है एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन कम होता था क्योंकि पहले लोग सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करते थे, अब क्या हो रहा है कि भाई फार्मिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो लोग बेचते भी है, मतलब लोग प्रॉफिट के लिए भी करते हैं, तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया पहले से मशीन्स के कारण, है ना। तीसरा क्या है एमरजेंस ऑफ सर्विसेज, क्या है स्टोरेज हाउसेस। तो देखो तो बेसिकली तुम लोगों को इसमें ये चीज बता रहा हूं मैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर प्राइमरी सेक्टर ग्रो होगा तो सेकेंडरी भी ग्रो होगा, टर्शियरी भी ग्रो होगा। क्यों ग्रो होगा भाई, अगर प्राइमरी सेक्टर ग्रो हो रहा है तो भाई ज्यादा फसल उगेगी और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत लगेगी, तो डेफिनेटली टर्शियरी सेक्टर ग्रो हो गया। अब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ गई है तो ज्यादा ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो ज्यादा ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर भी बढ़ गया। ज्यादा ट्रक्स मैन्युफैक्चर होंगे तो ज्यादा फसल उगा पाएंगे हम, मतलब ज्यादा फसल कैसे उगा पाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा फसल को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन सबकी कड़ियां जो है आपस में जुड़ी हुई है, बहुत ही बढ़िया। सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ हिस्टोरिकल चेंजेस की भाई माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, कई सारे लोग जो कि प्राइमरी सेक्टर में थे अब वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गए, ठीक है। पिछले काफी समय में जो लोग सिर्फ और सिर्फ खेती कर रहे थे उन्होंने सोचा कि सिर्फ खेती से काम नहीं चलेगा, हम एक काम करते हैं, हम अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोल लेते हैं, छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। जैसे आटा चक्की हो गई, तो आटा चक्की में हम क्या करते हैं, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी वो छोटी सी, क्योंकि हम गेहूं को जो है आटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए, क्योंकि वहां पर लोगों को लगा कि यहां पर मेहनत कम है कंपैरेटिवली और पैसे हमको ज्यादा मिल सकते हैं, हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज, ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे मान लो फैक्ट्रीज की जाता है, तो भाई वही प्राइमरी सेक्टर बढ़ा, टर्शियरी बढ़ा, टर्शियरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा तो ट्रक्स के मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने लग गए, और ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने लग गई तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो ऑल इन ऑल सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। टर्शियरी सेक्टर में देखते हैं कि इन द पास्ट 100 इयर्स देयर हैज बीन शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर भी। तो पहले लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में आए, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर में आ गए, मतलब ज्यादा लोग जो मैं ज्यादा मात्रा में, पहले क्या होता था कि ज्यादा मात्रा में लोग सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे होते थे, फिर क्या हुआ कि यार ज्यादा मात्रा में लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग चालू की, है ना, और प्राइमरी से कुछ कुछ लोग सेकेंडरी में आ गए। अब क्या हुआ कि सेकेंडरी और प्राइमरी से ज्यादातर लोग टर्शियरी में, टर्शियरी में लोग जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पहली बात टर्शियरी, अगर मैं तुमको ओवरऑल बताऊं तो टर्शियरी सेक्टर के अंदर पहली बात तो प्रॉफिट ज्यादा है और मेहनत कंपैरेटिवली कम है। भाई अगर मैं 9 to 5 जॉब की बात करूं और मान लो कि मेरी अच्छी जगह जॉब है, 2 lakh rupees महीने की सैलरी मेरी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या करना है, एक तरीके से कोडिंग करनी है, हालांकि वो भी बहुत मेहनत का काम है, वो दिमाग का काम है। पर अगर तुम वैसे देखो तो एक किसान जो है वो अगर दिन भर वहां पर धूप में रहता है खेत में, तो वो भी इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता होगा जितना कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शियरी में आए, ठीक है। दिस सर्विस, द सर्विसेज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आल्सो एम्प्लॉयड इन आर आल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर, तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयड पीपल आर नाउ इन टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तो भाई टर्शियरी सेक्टर जो इतना बढ़ते जा रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहली बात बेसिक सर्विसेज, जैसे कि भाई क्यों बढ़ाई है, कारण क्या है इसका, क्योंकि भाई बेसिक सर्विसेज जो लोगों की बढ़ने लगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ गई, स्कूल की जरूरत पड़ गई, बैंक की जरूरत पड़ गई, है ना, तो इसलिए टर्शियरी सेक्टर ग्रो होने लग गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, मतलब पहले लोग ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाते थे भले कितने पैसे हो, पर अब जो है लोग रेगुलरली रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से टर्शियरी सेक्टर ही बढ़ रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को और
फार्मिंग वगैरह या फिर प्राइमरी चीजों को छोड़ के जितनी भी मैक्सिमम चीजें हैं वो सारे टर्शियरी सेक्टर में ही आती हैं। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आल्सो लीड्स टू डेवलपमेंट इन सर्विसेज। ऑब्वियसली बात है, अगर एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा होगा तो टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो हो रहा होगा, सीधी सी बात, ठीक है, डिजिटल इंडिया से हुआ ही है। एज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल इंक्रीज, उनकी जो है कंफर्ट वगैरह जो है वो सब चीजें बढ़ने लगी, तो इसलिए टर्शियरी सेक्टर, पहले भाई हम नीचे गद्दे पे सो जाते थे, अब हमको बढ़िया बेड चाहिए, हमको बेड के ऊपर बढ़िया मैट्रेस चाहिए, मैट्रेस के ऊपर बढ़िया मेमोरी फोम वाला तकिया चाहिए, उसके ऊपर बढ़िया सुंदर सी बेडशीट चाहिए, और फिर साथ में एक पिलो चाहिए, पिलो के साथ में एक सॉफ्ट टॉय चाहिए, एक पांडा चाहिए, ठीक है, टेडी बेयर चाहिए। तो अब ये सब चीजें बढ़ने लग गई, पहले तो भाई नीचे गद्दा लगा के सो जाते थे या फिर ऊपर छत पे खाट लगा के सो जाते थे। मैं नहीं बोल रहा हूं पहले का, मतलब मैं कोई बहुत बूढ़ा नहीं हूं, ठीक है, मैं भी ऑलमोस्ट सेम जनरेशन का ही हूं, बट एक बात बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे करके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया थोड़ा हमारा, ठीक है। आई टी एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम एसेंशियल, प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग, ठीक है। आईटी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अब तुम्हें वीडियो देख पा रहे हो, ये क्यों देख पा रहे हो, ये टर्शियरी सेक्टर के कारण ही है, ठीक है। इस वीडियो को तुम तक पहुंचाने के लिए कोई ट्रैक्टर पे काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है किसी फैक्ट्री के अंदर, इस वीडियो को तुम तक पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तुम देख रहे हो, ठीक है, और तुम देख के इससे नॉलेज गेन कर रहे हो, ये सब टर्शियरी सेक्टर में ही है। तो टर्शियरी सेक्टर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ ग्राफ्स देखते हैं कि भाई कैसे जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन आती है। अभी हम तीन ग्राफ देखने वाले, तो हम अलग अलग, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम पहले कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। तो अगर मैं 1973 की बात करूं, तो जीडीपी में देखो ये कुछ करोड़ में, यानी कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, ये जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं। तो जीडीपी 1973 की अगर मैं बात करूं, तो कंट्रीब्यूशन देखो प्राइमरी सेक्टर का कितना था, तुमको याद नहीं रखने वैल्यूज, बस तुम ऐसा याद रख लो कि भाई पहले बहुत ज्यादा था, याद भी मतलब तुम रख लो तो बहुत अच्छी बात है, एमसीक्यू में अगर कभी आया तो तुम कर सकते हो। फिर सेकेंडरी सेक्टर का कितना कम था और टर्शियरी सेक्टर का इतना था। अब अगर मैं 2003 की बात करूं, तो ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखा तुमको कुछ ही सालों में, और ये तो 2003 की, आज से फिर भी 18 साल पहले की बात है, तो आज तो और भी बढ़ गया होगा ना अलग अलग सेक्टर्स में। तो 2003 की अगर मैं बात करूं, तो देखो टर्शियरी सेक्टर भाई कितना ज्यादा बढ़ गया, मतलब जितना ये तीनों मिला के है उससे ज्यादा तो अकेला ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये इतना सारा हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कि जीडीपी में कैसे पहले के पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर था, अभी हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीडीपी में जो है वो टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है। शेयर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये जीडीपी परसेंटेज, अगेन यही चीज देखते हैं, जीडीपी परसेंटेज देखते हैं। तो परसेंटेज मतलब अभी कौन सा सेक्टर कितने परसेंट रोल प्ले कर रहा था, अभी तो हमने जीडीपी की एक्चुअल वैल्यू देख ली, अब हम परसेंटेज वाइज देखेंगे। तो 1973 में प्राइमरी सेक्टर जो करीब करीब 45% तक इन्वॉल्व था, अभी प्राइमरी सेक्टर 2003 के अंदर सिर्फ 20 से 30% के बीच में इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्टर जो वो सिर्फ इतना, और टर्शियरी सेक्टर का जो मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट है मतलब करीब करीब 50% से भी ऊपर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और 1973 में ऐसा नहीं था, ठीक है। ग्राफ 3, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, मतलब कि ज्यादातर लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, प्राइमरी में, सेकेंडरी या टर्शियरी में। तो 1973 की बात करूं, तो ड्रास्टिकली भाई प्राइमरी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड जो मैंने पहले बताया, सेकेंडरी में थोड़े से कम और टर्शियरी में थोड़े से, सेकेंडरी कंपेरिजन में ज्यादा। अभी की अगर मैं बात करूं, मतलब 2003 की बात करूं, अभी की तो नहीं, आज से भी 18 साल पहले, अभी और ये चेंज हो चुका होगा, तो लेटेस्ट डेटा हो तुम नेट पे देख सकते हो, बट अगर मैं 2000 की बात करूं, तो तब भी अगर तुम देखो तो प्राइमरी सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और आज भी मैं कहूं तो प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही तुम लोगों को ऐसा लगता हो कि यार चारों तरफ सब लोग नौकरी तो कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कौन कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता होगा ना कि यहां पे खेतीबाड़ी करने वाला तो एक दो लोग ही दिखते हैं हमको, बट फिर भी मैं कहूं तो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो आधे करोड़ों लोग तो हमने देखे ही नहीं है जो कि अभी खेती कर रहे हैं या जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो अभी भी एक काफी मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, भले हमको ऐसा लग रहा है कि सब आसपास जॉब कर रहे हैं, पर हमने सब लोग देखे नहीं है, ठीक है, हमने दुनिया देखी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है। पहला टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ये सिंपल सी चीज, जो सिंपल सी चीज है मैं तुमको ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अनएम्प्लॉयमेंट पता है, नौकरियां नहीं मिल रही है, अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पे होता कि नौकरियां लोगों की चली गई थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या कि मैं आई एम विलिंग टू वर्क, मतलब मैं काम करना चाहता हूं पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही। भाई अगर मैं खुद सोया हूं बिस्तर पर, मुझे खुद काम नहीं करना, मुझे खुद को नहीं करना, तो मैं खुद को अनएम्प्लॉयड नहीं कहूंगा, मैं अनएम्प्लॉयड सिर्फ तब होऊंगा जब मैं चाहता हूं काम करना पर मुझे काम नहीं मिल रहा, ठीक है, जॉबलेसनेस। यहां पर क्या हुआ, अ पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड इट, क्यों हो सकता है, ये इन्फ्लेशन के कारण हो सकता है, ड्रास्टिक चेंजेस इन वर्किंग एटमॉस्फेयर। तो अगर महंगाई बढ़ जाती है तो वैसे में अनएम्प्लॉयमेंट भी मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड, जैसे कोरोना के टाइम में देखा था। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि मैं एम्प्लॉयड तो हूं पर मैं अंडर एम्प्लॉयड हूं, ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास में स्किल्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि मैं ₹1,00,000 महीने की नौकरी डिजर्व करता हूं, बट मैं नौकरी कितने में कर रहा हूं, एट द एंड ₹20,000 महीना में। तो ये जो हुआ ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि मेरी स्किल्स जो है, मेरा जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा है और मैं बहुत ज्यादा काम
कर सकता हूं पर मुझे उतना काम नहीं मिल रहा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट दो टाइप के होते हैं, एक विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल का मतलब कि दिख रहा है कि मैं अंडर एम्प्लॉयड हूं। कैसे दिख रहा है? कि मैं मान लो मैं बहुत बढ़िया कॉलेज से, मैंने बहुत बड़ा कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, बहुत अच्छा एमबीए भी कर लिया, सब कुछ डिग्री मेरे पास में, सारी स्किल्स मेरे पास है, सारी दुनिया भर के सर्टिफिकेट डिग्री सब है, पर मुझे एक प्रॉपर जॉब मिलनी चाहिए थी पर नहीं, मुझे एक पार्ट टाइम जॉब ही मिली। तो ये तो सब लोगों को दिख रहा है ना, मतलब आसपास के लोग देख पा रहे हैं, अरे भैया प्रणय ने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की थी पर फिर भी ये फुल टाइम जॉब नहीं कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो ये लोग देख सकते हैं, दिस इज विजिबल। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि मान लो मैं नौकरी तो पूरी कर रहा हूं, फुल टाइम जॉब ही कर रहा हूं, पर मेरी स्किल्स को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। मान लो कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत खतरनाक कोर्स किया, बहुत ही खतरनाक, और अब ये लोग सिर्फ मुझसे बर्थडे के पोस्ट बनवा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे वाले। मतलब मैं जहां मैं नौकरी कर रहा हूं पर मुझसे सिर्फ हैप्पी बर्थडे के पोस्ट बनवा रहे हैं, और मैं 1 लाख रुपए महीने की नौकरी डिजर्व करता हूं बट मुझे सिर्फ 25,000 रुपए महीना मिल रहा है, तो मैं इनविजिबली अंडर एम्प्लॉयड हूं। मतलब किसी को दिखेगा नहीं, सबको तो ये लग रहा है कि हाँ ये तो 9 to 5 काम पे जा रहा है, पर किसी को दिख नहीं रहा कि मैं इससे ज्यादा काम कर सकता हूं पर मुझे नहीं मिल रहा है पूरा काम, तो उसको हम बोलते हैं इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ओह क्या बात है। अब देखते हैं तीसरे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भाई सबसे बुरी चीज है। क्यों बुरी चीज है? क्योंकि ना तो ये प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट है, ना ये प्रॉपरली अनएम्प्लॉयमेंट है, ना तो ये विजिबल है और ना ये इनविजिबल है। ऐसा क्यों? देखो मैं तुमको बताता हूं, ये तब होता है जब काम कम हो और काम करने वाले ज्यादा हो। मतलब मान लो कि हमारे घर की एक दुकान है, हमारे घर में रहते हैं मान लो 6 लोग, अब एक दुकान है छोटी सी किराने की, अब किराने की दुकान में सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। मतलब 3 लोग भी अगर बैठे तो आराम से काम चल सकता है, और बाकी के 3 लोग कहीं बाहर काम करने जाएं तो काफी ज्यादा घर की इनकम हो सकती है। पर क्या किया हमने? वो 6 के 6 लोगों को उसी किराने की दुकान में लगा दिया। अब इससे क्या हुआ कि दुकान के अंदर जरूरत तो सिर्फ 3 लोगों की थी, अब मैंने 3 लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो ये 3 लोगों की तो एम्प्लॉयमेंट फालतू हो गई ना, मतलब इनकी तो जरूरत थी ही नहीं और ये भी कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रहे। इन ये 3 लोग अगर नहीं भी होते तो भी दुकान की उतनी आमदनी होती। ऐसा तो नहीं कि 3 लोगों के पड़ने से आमदनी बढ़ गई, है ना? तो ये क्या हो गया? एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जहां पर काम करने वाले बहुत ज्यादा है पर काम ही बहुत कम है। तो अगर इसकी बजाय वो 3 लोग दुकान में जिनकी जरूरत है वो काम कर रहे थे और 3 लोग बाहर काम कर रहे होते, तो ये इनकम प्लस हो जाती ना दोनों की, कि ये भाई दुकान से भी इनकम आ रही है और बाहर से भी 3 लोग अलग अलग इनकम लेके आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि 6 के 6 लोग वही एम्प्लॉयड है, तो जो 3 लोग है उनकी तो वो तो एक तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए ना, ठीक है? मतलब कि दिख रहा है कि वो एम्प्लॉयड है पर वो एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं है। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दिस कंडीशन कम्स अंडर दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं कुछ एक्ट्स कि भाई कैसे कैसे इस एम्प्लॉयमेंट वाली चीज को भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल प्ले किया, भाई लोगों को नौकरियां दिलाने में या फिर लोगों को हेल्प करने में क्या क्या रोल प्ले किया। तो मनरेगा की बात करते हैं, 2005 में जो था, इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहां पर आएगा गारंटी, ठीक है, 2005। इसमें क्या है? इसमें गवर्नमेंट ने बोला एक लॉ जो कि था राइट टू वर्क, भाई राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ठीक है, वैसे ही एक फंडामेंटल राइट बना दिया कि राइट टू वर्क भी होना चाहिए। मतलब इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति के पास में काम करने का अधिकार है, तो राइट टू वर्क यहां से आ गया इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। मनरेगा के अंदर क्या होता था कि रूरल एरिया, देखो अर्बन एरियाज में तो लोगों को फिर भी मिल जाता है काम, पर रूरल एरियाज में बहुत सारे लोग फ्री बैठे रहते हैं, उनके पास काम रहता नहीं है। तो क्या हुआ कि रूरल एरियाज के अंदर इस लॉ के तहत क्या हुआ कि रूरल एरियाज के अंदर की गवर्नमेंट ने 100 डेज का, मतलब पूरे साल भर में से 100 डेज तो आप पक्का एम्प्लॉयड रहोगे, ये गारंटी की लोगों से। मतलब रूरल एरिया में जो लोग थे उनको गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम गारंटी देते हैं कि आपको पूरे साल भर में से कम 100 दिन तो काम मिलेगा, 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट तो हमको गारंटी कर रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हम काम दिलवा ही देंगे, क्योंकि अदरवाइज उनको काम नहीं मिल पा रहा था। पर अब गवर्नमेंट का लॉ बना तो उनको काम मिलने लग गया, और बाय चांस अगर हम तुमको काम नहीं दिलवा पाए तो जो 100 दिन का कॉम्पनसेशन है, जो तुम्हारी कमाई है उसका कुछ मतलब कुछ उसका हिस्सा या फिर जो भी है उसका कॉम्पनसेशन वो हम तुमको देंगे। तो इससे क्या हुआ कि अगर काम नहीं भी मिल पाया, मान लो काम नहीं भी है, तो भी कोई भी इंसान ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि कोई आमदनी नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मनरेगा की, ठीक है। अब देखते हैं सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो अभी हमने देख लिया सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमने देखा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, विजिबल इनविजिबल और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज होती है। और एम्प्लॉयमेंट तो बताइए, अगर प्रॉपरली एम्प्लॉयड है मतलब कि भाई सैलरी भी अच्छी है, काम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा। तीसरा जो है इट इज ऑन द सेक्टर्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ओके, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हमारे पास में दो सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो नाम समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा, सब कुछ सही तरीके से चल रहा होगा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स मतलब कि भाई सैलरी कितनी होगी, कब से कब तक काम करना है, कैसी चीजें चलेंगी, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या काम करना है, वो सारी चीजें फिक्स रहती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। भाई ऑर्गेनाइज्ड कमरा क्या होता है? जहां पर सारी चीजें प्रॉपरली व्यवस्थित होती है कि भाई ये चीज यहां रखेगी, ये चीज यहां रखेगी होगी, ये चीज यहां रखेगी होगी, वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सब कुछ पहले से फिक्स होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें जनरली स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होती है, जैसे कि अगरबत्ती की फैक्ट्री, चूड़ी की फैक्ट्री, तो फैक्ट्री तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी जगह बोलते हैं जहां पर काम होता है, तो वहां पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, वहां पर
पर क्या होता है कि आप ऐसे जनरली दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हो, दिहाड़ी मतलब जैसे कि दिन के जो डेली वेजेस बोलते हैं वो, ठीक है, और समझते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इट इज गवर्न बाय एक्चुअली इस पे ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे रिलायंस है या फिर टाटा है, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि तुमको आज बुला लिया और कल भूल गए, नहीं, वहां पर प्रॉपर जॉब्स होती है और प्रॉपर कंपनी के हिसाब से काम चलता है। तो इट इज गवर्न बाय वेरियस एक्ट्स, अलग अलग गवर्नमेंट के एक्ट्स जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो अगर आप में से किसी के पेरेंट्स कहीं पर जॉब कर रहे होंगे तो तुम उनसे पूछोगे कि पीएफ क्या होता है, बोनस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब क्या होता है, ये सब चीजें उनको पता होंगी, तो जाके पीएफ के बारे में चर्चा करना उनसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो अनऑर्गेनाइज है, किसी भी गवर्नमेंट, नॉट गवर्न बाय एनी एक्ट, यहां पर जिसको जो काम करना वो करे और जिसको जो काम नहीं करना वो नहीं करे, या फिर मैं अगर मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं मान लो कि किसी को लेट से मेरे यहाँ कर, चलो वो एग्जांपल बताता हूँ मैं आगे चल के, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, भाई बड़ी कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं कि कैसे क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, अंदर बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर नॉट फॉलोड, ये सब अपने अपने हिसाब से चलता है। बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से छोटी छोटी स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो आती है, जैसे चूड़ी, अगरबत्ती, इस टाइप की चीजें मैंने तुमको बताई, ठीक है। रेम्यूनरेशन, जैसे कि यहाँ पर सैलरी वगैरह कैसे होती है, यहाँ पर रेगुलर मंथली सैलरी होती है और यहाँ पर जनरली रोज के दिहाड़ी जिसको बोलते हैं डेली वेजेस होते हैं। जॉब सिक्योरिटी भाई यहाँ पर होती है, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर आज मुझे जरूरत है तो मैंने तुमको काम पे बुला लिया, कल मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने काम पे नहीं बुलाया, हो सकता है, या फिर मान लो कि मैं एक ऐसा काम करने के लिए बैठा हूं, तो बेसिकली चलो ये मैं फिर से बता देता हूं, वर्किंग आवर्स इसमें फिक्स्ड है, इसमें नॉट फिक्स्ड ऑब्वियसली, और ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम यहां पर काम करना पड़ रहा है तो यहां पर कोई रेम्यूनरेशन नहीं होता, यानी कि एक्स्ट्रा सैलरी यहां पर बिल्कुल फिक्स्ड होती है, सॉरी ऑर्गेनाइज में बिल्कुल फिक्स्ड होती है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, यहां पर ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। फिर ये थोड़ा सा और लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ वर्कर्स यहां पर एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं थोड़े थोड़े, मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि मिनिमम इतने वेज तो होने ही चाहिए, और यहां पर लेस देन द सैलरी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, मतलब यहां पर तो कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, तो जिसकी जो मर्जी उतनी सैलरी दे सकता है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीएफ, ये जो पीएफ लिखा था हमने, यही प्रोविडेंट फंड है, तो यहां पर होता है, यहां पर नहीं होता है। अब अगर मैं तुमको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मैं हूं, अब मैं प्रॉपर जॉब कर रहा हूं तो भाई मेरा सब कुछ होगा, भाई प्रॉपर टाइम होगा, मेरा 9 टू 5 जॉब है, मुझे इतना काम करना है, मैं अगर ओवर टाइम काम करूं तो मुझे उसका एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, अगर मैं छुट्टी पर जा रहा हूं तो मुझे महीने की 2 CL या फिर 3 जो भी छुट्टियां होती है, तो जैसे साल भर में मुझे मान लो 20 छुट्टियां मिली है, 30 छुट्टियां मिली है, तो मैं वो छुट्टी ले सकता हूं, मुझे वहां पर सैलरी नहीं कट होगी, या अगर मैं ज्यादा छुट्टी लेता हूं तो मेरी प्रॉपर सैलरी डिडक्ट होगी, जो भी होता है। बट यहां पर अनऑर्गेनाइज्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कि मान लो कि जब हमारे, जैसे मैं बड़ी मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, मतलब छोटी सिटीज है, वहां की बात करो तो वहां पर जब घर बन रहे होते हैं तो तुमने देखा हो जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होते, वो हेलमेट भी नहीं पहनते, वो ऐसे ही काम कर लेते हैं, तो वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते, छोटे बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि यहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो है नहीं। अब लेट से कि मैं अब ऐसा एक फॉर एग्जांपल लेट से कि मैं एक मजदूर हूं, ठीक है, अब मान लो कि आज कोई लेट से कि अब यहां पर कोई टाइम तो है नहीं कि कितने टाइम काम करना है, अब जैसे मान लो कि आज मुझे बोल दिया मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने, जो मेरे सेठ जी होंगे, उन्होंने बोल दिया कि आज तेरे को 100 रुपए दूंगा, फटाफट दीवार बना दे, तो बस एक दीवार बनाने के मुझे 100 रुपए मिले, 2-3 घंटे का काम था, और बोले कि आप कोई काम नहीं, अब घर चले गया। किसी दिन हो सकता है कि भाई पूरी बिल्डिंग बनानी है, मतलब तो पूरी बिल्डिंग मुझे दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक काम करना है, तो कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं, वो कभी भी बुला सकते हैं मुझे, और जिस दिन मैं काम पे नहीं गया उस दिन मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, जिस दिन मैं काम पे गया उसी दिन पैसे मिलेंगे, मुझसे जो चाहे वो काम करा सकता है। मान लो कि आज मैंने काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, कल को उनको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भगा देंगे कि तेरी कोई जरूरत नहीं, तू निकल यहां से, ठीक है, तो ऐसे कोई फिक्स नहीं होता, तो इसीलिए तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम, अब देखो बहुत सारी मेजर चंक, बहुत सारी एक पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एम्प्लॉयड है, ऐसे कितने सारे मजदूर होंगे, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अगरबत्तियों की फैक्ट्री, अगरबत्ती और चूड़ी का एग्जाम आ रहा है दिमाग में, बैंगल्स जो होती है उनका एग्जाम आ रहा है, और भी एग्जाम्स हो सकते हैं छोटे छोटे, तो वो भी हो सकता है, तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते होंगे, तो उनके लिए कुछ तो रूल्स होने चाहिए ना, मतलब ऐसा है तो यही होगा कि आज मेरी जरूरत है मुझे बुला लिया, कल मेरी जरूरत नहीं तो अब मैं कहां काम ढूंढने जाऊं भाई, मैं रोज रोज काम थोड़ी ढूंढ सकता हूं ना, ठीक है, मुझे मेरा घर चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, तो इसके लिए मेजर्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो बेसिकली क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे कि थोड़ी जिंदगी उनकी अच्छी हो जाए, जैसे फार्मिंग है तो फार्मिंग भी मेनली अनऑर्गेनाइज, काफी फार्मिंग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, क्योंकि भाई किसी दिन किसी टाइम फसल होगी तो अच्छी बात है, किसी टाइम नहीं होगी, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, तो आप क्या करोगे ऐसे में, तो इसमें भी कोई फिक्स तो है नहीं, तो इसीलिए फार्मर शुड बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, सीड्स, क्रेडिट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होनी चाहिए, इससे एडवांटेज होगा फार्मर्स को। स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको लोन्स मिलने चाहिए, ठीक है, उनको जो कैजुअल वर्कर्स है उनको भी थोड़ी वो बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, तो जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी भी थोड़ी मार्केटिंग वगैरह होनी चाहिए, उनको भी थोड़ी फ्री में कुछ, या फ्री में तो नहीं बट एटलीस्ट रॉ मटेरियल्स वगैरह की इजिली प्रोवाइड कर दिए जाने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के बेसिस पे बता दिया मैंने तुमको, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जैसे कि भाई हमारे जो रेलवे है तो रेलवे किस में आ गया, पब्लिक सेक्टर में आ गया, क्योंकि रेलवे क्या है, पब्लिक चीज है, गवर्नमेंट के
गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल चीज है, हालांकि वो थोड़ी 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 कुछ कुछ उसमें से पार्ट्स प्राइवेटाइज जो हो रहे वो तो खैर अलग बात है, बट मेनली समझ में आया जैसे एग्जांपल एलआईसी, तो इसमें क्या है, दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इट एम्स एट सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर मतलब दीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि अब पढ़ ले तो ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ मतलब मैं और अथर्व, ठीक है, तो जो भी है, तो इस टाइप से कंपनी जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस में सिर्फ अंबानी जो है वो ओनर नहीं है, मिस्टर अंबानी, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप पूरा ग्रुप है जिसको रिलायंस ग्रुप बोलते हैं, टाटा ग्रुप बोलते हैं, तो ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनके शेयर्स वहां पर रहते हैं, ठीक है, इट एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो एग्जांपल क्या होगा रिलायंस। अब तुम सोचोगे भैया पब्लिक बहुत अच्छा है क्योंकि सोशल वेलफेयर करता है और प्राइवेट वाले तो सिर्फ प्रॉफिट कमाते, पर ऐसा नहीं है, प्राइवेट वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट तो मेनली प्राइवेट सेक्टर में काफी ज्यादा होती है ना, मतलब अगर कोई व्यक्ति रिलायंस में जॉब कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी, कोई टाटा में कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें लोगों को जॉब मिलती है जो प्राइवेट सेक्टर की होती है, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फॉर द कंट्री, क्योंकि कंट्री ऐसे ही तो ग्रो होगी, इकोनॉमी ऐसे ही तो ग्रो होगी, जब ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा सब लोगों के पास, तभी तो कंट्री ओवरऑल ग्रो होगी, ठीक है। अब इन दोनों के मिश्रण से बनता है एक जॉइंट सेक्टर, जहां पर पब्लिक सेक्टर भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और प्राइवेट सेक्टर भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो ये दोनों जब मिलके बनाते हैं तो इसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। एग्जांपल क्या है, मारुति उद्योग, तो ये जॉइंटली ओन्ड होती है, तो गवर्नमेंट अपने कुछ रिसोर्सेस लगाती है और प्राइवेट कंपनी अपने कुछ रिसोर्सेस लगाती है, तो वो हो गया एग्जांपल मारुति उद्योग। अब एक होता है जैसे अमूल है, तो अमूल को हम ना प्राइवेट लिमिटेड गिनते हैं, ना पब्लिक सेक्टर गिनते हैं, ना जॉइंट सेक्टर गिनते हैं, अमूल इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि ये कोऑपरेटिव है, ये कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब जिसमें कोई एक इंसान ओनर नहीं है, जिसमें सब ग्रुप ही ओनर है, यहां पर क्या होता है कि बेसिकली इंडिविजुअल सा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनर है, अमूल में ऐसा नहीं है, अमूल में बहुत सारे ओनर्स है, मतलब अमूल के बेसिकली कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेशन के थ्रू चलता है वो लोगों का, ठीक है। तो बस यार इतना ही है, ज्यादा लंबा चैप्टर था नहीं, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हिट करने वाले, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, और बिस्कुट जो है वो स्पैम हो जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।